बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ीशान खालिद और आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, फंक्शन ओवरराइडिंग। इम्पोर्टेंट ये कैसे है, क्योंकि एक कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग का। तो ओवरराइडिंग भी उससे मिलता जुलता है और काफ़ी दफ़ा आपको इंटरव्यूज़ में या एमसीक्यूज़ में भी, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है और फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है। तो इसके डिफरेंस भी हम देखेंगे, फंक्शन ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में क्या फ़र्क है। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि इनहेरिटेंस में फंक्शन ओवरराइडिंग जो है हम यूज़ कर सकते हैं, वो किस तरीके से, चलिए देखते हैं। फंक्शन ओवरराइडिंग, the process of declaring member function in derived class with the same name and same signature as in parent class is known as function overriding. हमने overloading में ये पढ़ा था कि same name का function अगर हमने दोबारा कहीं use करना है किसी और class में या किसी और function में, किसी और class में basically, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता था, तीन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता था, sequence of parameter, टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स और नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स। मतलब इसको हम चेंज करके अगर लिखते थे सेम नाम के साथ किसी फंक्शन को, तो हमें इन तीन चीज़ों को डिफरेंट करना पड़ता था ताकि वो कंफ्यूज ना हो कंपाइलर के उसे कौन सा फंक्शन जो है वो चलाना है। यहाँ पे चूँकि ओवरराइडिंग है, आप देख सकते हो कि ऐसा फंक्शन जो कि सेम नाम का, सेम पैरामीटर होंगे, सेम रिटर्न टाइप होगी, सेम सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर, हर चीज़ सेम हो सकती है इसकी, तो ये भी यहाँ पे वर्क करेगा। अब इससे पहले तो हमने देखा था कि कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसने कौन सा फंक्शन चलाना है, क्योंकि अगर मैं दो स्टूडेंट्स को एक ही नाम दे दूँ तो वो क्या करेंगे कि मैं सपोज करो कि दो स्टूडेंट्स को क्लास में अली खान का नाम दे देता हूँ, ठीक है, और मैं कॉल करता हूँ कि अली खान मेरे पास आए, तो दोनों स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से कंपाइलर भी कंफ्यूज हो जाता है ओवरलोडिंग के दौरान, लेकिन ओवरराइडिंग में किस तरह से ये कंपाइलर को भी मुश्किल नहीं आती, वो किस तरह से, फंक्शन ओवरराइडिंग अलाउज द यूज़र टू यूज़ सेम नेम, जो सेम नेम पेरेंट क्लास में होगा, क्योंकि हमने इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, तो इनहेरिटेंस के अंदर पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप हम पढ़ रहे हैं कि एक सुपर क्लास से एक सब क्लास हम ड्राइव कर सकते हैं और उसके फंक्शंस को भी वो यूज़ कर सकती है। वो हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में कि किस तरीके से वो हम लिख सकते हैं और किस तरीके से वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर जो सिंपल ओवरराइडिंग की जो मैं बात आपको बताता चलूँ कि ओवरराइडिंग में हम सेम नेम रख सकते हैं एक फंक्शन का, जो कि सेम नेम है पेरेंट क्लास में, सेम वही नेम हम चाइल्ड क्लास के अंदर भी रख सकते हैं एक फंक्शन का। वहाँ क्या होगा, व्हेन अ मेंबर फंक्शन इज़ ओवरराइडन इन द ड्राइव क्लास, अगर एक मेंबर फंक्शन जो ओवरराइड हो चुका है ड्राइव क्लास मतलब चाइल्ड क्लास के अंदर, द ऑब्जेक्ट ऑफ द ड्राइव क्लास कैन नॉट एक्सेस द फंक्शन ऑफ पेरेंट क्लास। अब मैं एक तस्वीर से आपको दिखाता हूँ इसका, ये देखिए, यहाँ पे एक हमारे पास एनिमल पेरेंट क्लास है, इसकी एक सब क्लास है या चाइल्ड क्लास है, उसका नाम है डॉग। तो आप सब जानते हो कि अगर हम मैं एनिमल कहूँ तो उसके अंदर डॉग भी आ सकते हैं, डिफरेंट एनिमल्स आ सकते हैं, तो ये डिफरेंट जितने भी एनिमल्स हैं वो सारी इस एनिमल क्लास की सब क्लासेस हो सकती हैं। अब यहाँ पर डेटा मेम्बर्स हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद मेम्बर फंक्शन है। अब यहाँ आप देख सकते हो क्लियरली कि मूव लिखा हुआ है, मूव का एक फंक्शन है कि एक एनिमल जो है वो मूव कर सकता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि सेम फंक्शन, सेम नाम, सेम पैरामीटर, इसको भी कोई पैरामीटर नहीं है, इसको भी कोई पैरामीटर नहीं है, मतलब कि बिल्कुल हूबहू सेम नाम हम सब क्लास या चाइल्ड क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। उस फंक्शन को बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। इसको हम ऊप या ऊप के अंदर या क्लासेस के अंदर हम मेथड भी बोल सकते हैं फंक्शन को, तो इसलिए यहाँ पे ओवरराइडिंग मेथड लिखा है, या मतलब फंक्शन ओवरराइडिंग या फंक्शन मेथड ओवरराइडिंग। तो ये बेसिकली इसका वर्किंग है इसकी, कि सेम जो नाम होगा आपके पेरेंट क्लास में, सेम वही फंक्शन का नाम हम चाइल्ड क्लास में भी रख सकते हैं। लेकिन क्या है कि जब हमने
इस मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है जब हमने इस मेंबर फंक्शन को इस मूव को एक्सेस करना है, तो अगर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ इस मूव को, मतलब सिर्फ जो उसके अपना जो फंक्शन है उसको रीड आउट करेगा। अब इस फंक्शन के अंदर हम इस फंक्शन का रेफरेंस देंगे तो फिर इस तरीके से वो इस फंक्शन तक भी पहुंच जाएगा और फंक्शन को ओवरराइड करेगा। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं थोड़ा रीड करता चलूँ। हाउएवर द फंक्शन ऑफ अ पेरेंट क्लास कैन बी एक्सेस बाई यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमने फ्रेंड क्लासेस में भी यूज़ किए थे, फ्रेंड फंक्शंस में भी यूज़ किए थे, तो यहाँ पर हम उन्हीं स्कोप रेजोल्यूशंस को यूज़ करते हुए फंक्शन को ओवरराइडिंग करेंगे। एग्जांपल में देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या है, सबसे पहले हेडर फाइल्स हैं, फिर क्लास पेरेंट है, पेरेंट की एक क्लास है जिसके अंदर प्रोटेक्टेड डाटा मेम्बर हैं इंट एन, ठीक है। उसके बाद पब्लिक है पेरेंट, मतलब कि ये इसका कंपाइलर है और इसको एक पैरामीटर पास करवाया हुआ है इंट पी। ये हम ऑब्जेक्ट जब डिक्लेयर करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तब उसके साथ इसको पैरामीटर की वैल्यू असाइन कर देंगे जो कि एन की वैल्यू हो जाएगी जो हमने यहाँ पर दिया है, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन है, ये बात समझने वाली है, वॉइड शो। वॉइड शो क्या है, एक मेंबर फंक्शन है पेरेंट क्लास का। इसके अंदर क्या सिंपल वो कर रहा है, सी आउट एन इज इक्वल टू एन, वो सी आउट कराएगा कि n इज इक्वल टू जो भी वैल्यू इसको हम देंगे वो उसको डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद हम चाइल्ड क्लास बना रहे हैं, क्लास का कीवर्ड चाइल्ड, क्लास का नाम है जो कि चाइल्ड क्लास है, और उसके बाद ये कॉलन्स हम लगा के पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगाते हैं और साथ में पेरेंट क्लास का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट क्लास का नाम क्या है, पेरेंट ही है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी चाइल्ड क्लास। प्राइवेट चार सी एच, एक करेक्टर टाइप का हमने वेरिएबल लिया है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पर आप देख सकते हो पब्लिक में ये चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है, इसको दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, वो किस लिए, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तभी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसको दो वेरिएबल्स पास करवा देंगे, पहला जो होगा वो चार सी के लिए होगा, दूसरा जो होगा वो इंट एम के लिए होगा। तो ये जो इंट एम है ये पास हो जाएगा पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को, वो वहाँ पर ऊपर वैल्यू चले जाएगी उसकी, यहाँ पर इस एन को ये पी की वैल्यू असाइन हो जाएगी जो हम ऑब्जेक्ट के साथ बनाएंगे। तो ये है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हो void show, ऊपर वाले पेरेंट क्लास में क्या था, यहाँ पर भी आप देख सकते हो void show है, सेम पैरामीटर कुछ भी नहीं है, void उसकी रिटर्न टाइप थी, show फंक्शन का नाम है और पैरामीटर खाली है। यहाँ पर भी सेम void उसकी रिटर्न टाइप है, show उसका नेम है फंक्शन का और पैरामीटर खाली, सेम फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, स्कोप रेजोल्यूशन को यूज़ करते हुए पेरेंट क्लास का नाम लिखेंगे और आगे उसका फंक्शन जो हम कॉल करेंगे इसके बाद, और इस फंक्शन के अंदर क्या होगा जो चाइल्ड क्लास के अंदर है उसमें क्या होगा, सी आउट, एक तो वो इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, बेसिकली इस फंक्शन तक पहुँच रहा है, रसाई हासिल कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा क्या कर रहा है, सी आउट करवा रहा है, करेक्टर में जो भी वैल्यू आएगी वो सी आउट करवा देगा। उसके बाद यहाँ पर हमारी चाइल्ड क्लास भी ख़त्म होती है, फिर उसके बाद void main है, क्लियर स्क्रीन चाइल्ड। अब चाइल्ड जो है वो चाइल्ड क्लास का नाम है, क्लास का नाम और obj ऑब्जेक्ट का नाम है। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं हम और उसको पैरामीटर्स हैं, चूँकि यहाँ पर दो आप देख सकते हो चाइल्ड के आगे चार सी और इंट एम, चार सी में ये चले जाएगी वैल्यू एट द रेट साइन और इंट एम के अंदर 100 वैल्यू चले जाएगी इस तरीके से। फिर ओबीजे डॉट, अब चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से हम एक्सेस कर रहे हैं चाइल्ड क्लास के फंक्शन को, ये वाले फंक्शन को, क्योंकि दोनों का नाम ही शो है, तो पहले ये इस पे जाएगा और पेरेंट क्लास के अंदर देखेगा कि सॉरी चाइल्ड क्लास के इस फंक्शन के अंदर देखेगा कि ये पेरेंट क्लास के शो के फंक्शन को इनहेरिट कर रहा है या एक्सेस कर रहा है, तो ये वहाँ पर भी जाएगा। पहले हमें वैल्यू शो कराएगा 100, ठीक है, क्योंकि उसके शो के अंदर है n इज इक्वल टू n, n के अंदर वैल्यू क्या है हमारे पास 100, तो वो 100 शो करवाएगा। उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी
सी आउट सी एच इज इक्वल टू चार इज इक्वल टू जो भी इसकी ये एट द रेट साइन है ये हमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों देख सकते हो आप कि दोनों सेम नाम के फंक्शन हैं, दोनों एक ही दफ़ा में एग्जीक्यूट हो रहे हैं और एक ही ऑब्जेक्ट के साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम है हमारे फंक्शन ओवरराइडिंग का। फंक्शन ओवरराइडिंग हम इनहेरिटेंस के अंदर यूज़ करते हैं, पेरेंट क्लास के सेम फंक्शन को चाइल्ड क्लास के अंदर हम यूज़ करते हैं सेम नाम के साथ। उसके अंदर फंक्शनैलिटी थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं हम, लेकिन नाम जो है वो सेम यूज़ करते कर सकते हैं।